नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल एग्री अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पत्ता गोभी की उन्नत खेती कैसे करें इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, पत्ता गोभी एक पत्ते वाली सब्जी है और शीतकाल की एक प्रमुख फसल है। पात गोभी कोल वर्ल्ड की एक प्रमुख शीतकालीन फसल है और ये कल्टिवेशन के हिसाब से बाइनियल है। एक वर्षी में पहले कर्ण बनते हैं और सेकंड सीजन में इसके बीज बनता है। इस वर्ग की सभी फसलों में ये दूसरे वर्ग की है। प्रथम चरण में खाद्य उपयोग सामग्री बनती है। इसको ठंडा और नम वातावरण की आवश्यकता होती है और जो खाने वाला भाग है इसको हेड के नाम से जाना जाता है। इसमें पत्तियां मांसल हो जाती हैं और ये जो टर्मिनल बर्ड होती है पौधे की, वही टर्मिनल बर्ड कन्वर्ट होकर के हेड के रूप में बनती है और उसी को खाया जाता है। फात गोभी और फूल गोभी, ब्रुसेल्स स्प्राउट, ये सब एक ही वर्ग के हैं। ब्रेसिका ओलरेसिया, वराइटी कैपिटाटा इसका वानस्पतिक नाम है और ये ब्रेसिकेसी या पुरानी फैमिली क्रूसीफेरी का पौधा है। इसमें 29 फसलें हैं जिन्हें सब्जी के रूप में खाया जाता है और इसमें क्रोमोजोम नंबर 18 होता है और इसकी उत्पत्ति पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हुई है। गोभी वर्ग की जितनी भी फसलें हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ही इसके एक वर्षीय पौधे जंगली पौधे के रूप में मिलते हैं और वहाँ पर अधिक नमी होने की वजह से, सर्द होने की वजह से इसके जंगली जितने भी पौधे हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी अगली प्रभेदों का प्रसारण उत्तर पश्चिमी यूरोप में हुआ, उसके बाद यह ठंड सहने वाली प्रजातियों में मानव के द्वारा अपने इसमें से चयन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्ता गोभी सबसे पहले जो पौधा था वीड ब्रिस्का और लेसिया वराइटी सेल्वेस्टिस, उससे सबसे पहले केल, केल के बाद पत्ता गोभी, गांठ गोभी और इस तरह से इसकी सबसे पहले उत्पत्ति हुई है, उसके बाद फूल गोभी की हुई है। इसके पुष्पोत्पादन के लिए वर्नलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। एक निश्चित अवधि तक ठंडा तापमान चाहिए, इसलिए इसका बीज उत्पादन पहाड़ों पर किया जा सकता है। मैदानी क्षेत्रों में इसका बीज उत्पादन नहीं होता है। यूरोप के समुद्र तटीय क्षेत्रों में कोलवर्ट ब्रिस्का ओलरेसिया वैरायटी सेल्विस्टिस जो जंगली पौधा है उससे पात गोभी का उत्पत्ति हुई है। प्राकृतिक पौधों में मानव के द्वारा ये चयनित किया गया, इसमें बहुत सारे सेलेक्शन किया म्यूटेशन के द्वारा, आपस में क्रॉसिंग के द्वारा। तो सबसे पहले जंगली बंद गोभी या पात गोभी जो थी वो पुर्तगाल में केल को जन्म दिया और केल के बाद में फिर उससे सवाई कैबेज बनी और सर्वप्रथम अर्ली केल बंद गोभी और गांठ गोभी की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई और पात गोभी का प्रचलन जर्मन में प्रारंभ हुआ। वहाँ पर यह लाल, सफ़ेद, हरी कई रूपों में पाई गई। जर्मन में इसकी उत्पत्ति 1185 ईस्वी में पाई जाती है और पुराने ग्रंथों में इसका वर्णन ये दिया गया है, पुअर फैमिली के लोग थे वो इसको बिना किसी चपाती या रोटी के साथ ये सीधे सीधे उबाल के खाया करते थे, तो स्टेपल फूड के रूप में ये खाया जाता था। और इसका पात गोभी का ईसा पूर्व 2000 से 2500 वर्ष पुरानी ये मानी जाती है और इंग्लैंड में इसका उगाना सबसे पहले प्रारंभ हुआ। पात गोभी को वानस्पतिक प्रभेद जंगली पूर्वज ब्रिस्का ओलरेसिया वराइटी सेल्विस्टिस है। वर्ष 1969 में न्यूहाफ ने इसको गोभी को तीन भागों में बांटा गया, जिसमें ब्रिस्का ओलरेसिया वराइटी कैपिटाटा फॉर्म एल्वा, इसको सफ़ेद गोभी कहते हैं, ब्रिस्का ओलरेसिया वराइटी कैपिटाटा फॉर्म रूबरा जिसको लाल गोभी कहते हैं, ब्रिस्का ओलरेसिया वराइटी सबौता जिसे सवाई कैबेजियाँ जो फूलदार पत्तियाँ जैसे उस उभार होते हैं उस टाइप की होती है और उसका रंग हल्का सा नीला हरा होता है पत्ती का। भारतवर्ष में बंद गोभी की खेती 1542 से पूर्व इसका विवरण आयनी आकृति में मिलता है। बीजोत्पादन का कोई भी विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया और पात गोभी के बीज उत्पादन से संबंधित जानकारी के अनुसार इसका बीजोत्पादन सबसे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र क्वेटा में 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जो आज वह स्थान पाकिस्तान में मौजूद है।
क्वेटा के बाद या तो इसको कश्मीर घाटी में हिमाचल प्रदेश में उगाया गया और 1947 में बंटवारे के पश्चात भारतवर्ष के कृषि मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के कटरायन कुल्लू घाटी में इसके बीज उत्पादन की तकनीक को प्रारंभ हुआ। वर्ष 1955 में इसे केंद्र को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की सौंप दिया गया और कोल वर्ग की पात गोभी ही वो फसल है जो ईसा पूर्व 2000 से 2500 वर्ष पुरानी है। सर्वप्रथम पात गोभी खेती की उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले इसी को उगाया गया। यद्यपि यूरोप में इसकी खेती लार्ज स्केल पर की जाती है और भारतवर्ष में इसका द्वितीय स्थान है। ग्रीक वासी पात गोभी की पूजा भी करते थे और सम्मान भी देते थे क्योंकि इतिहास पूर्व में यूनान से ही प्रारंभ हुआ है और वहाँ पर लोग इसे स्टेपल फूड के रूप में प्रयोग करते थे। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, इसको सब्जी के रूप में खा सकते हैं, खीर के रूप बना सकते हैं, कढ़ी के रूप में बना कर खा सकते हैं, डिब्बाबंदी की जाती है, अचार बनाया जाता है, सुखा करके इसको बाद में बनाया जाता है। वर्तमान समय में फास्ट फूड में इसका बहुत उल्लेखनीय उपयोग हो रहा है जिसकी वजह से इसकी खेती भी भारतवर्ष में इसका क्षेत्र भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है, उत्पादकता भी बढ़ी है और निर्यात भी इसको किया जाता है। भारतवर्ष में पात गोभी की खेती फूल गोभी की अपेक्षा कम क्षेत्र में की जाती है। यहाँ पर ये पोषक तत्वों के हिसाब से दिखाया गया है, इसमें विटामिन सी, विटामिन के, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसकी पोषक तत्वों के हिसाब से बहुत ही लाभदायक सब्जी है। औषधीय पौधों में अनेक इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसके कैंसर रोग में बहुत ही लाभकारी है। आंतों के अंदर जो यौगिक बनता है इंडोल 3 कार्बोनोल, इसके उपस्थित होने से कैंसर बनता है। पत्ता गोभी इसको बनने से रोकता है। जहरीला कुकुर पत्ता खा लेने से जो नुकसान होता है उसको इसका अगर रस पिला दिया जाए तो उससे लाभ होता है और इसकी पत्तियाँ अल्सर तथा घावों में विशेष लाभदायक होती है। पाचन तंत्र को ठीक रखता है, कब्ज को दूर करता है और स्कर्वी रोग से भी विशेष फायदा करता है और पेट के सभी विकारों में पत्ता गोभी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। पुराने काल में बदहजमी और दस्त रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ये बात रोकों में लाभकारी है। पात गोभी उगाने वाले देशों प्रमुख 10 देशों में सबसे ज़्यादा स्थान इसका चीन, दूसरे बात पर भारत, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, इंडोनेशिया, पोलैंड, रोमानिया, यूएस, अमेरिका है। यदि इसकी बात करें कॉन्टिनेंट की तो सबसे ज़्यादा इसकी खेती दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। भारतवर्ष में उगाए जाने वाले राज्यों में सबसे पहला स्थान इसमें पश्चिम बंगाल का, उसके बाद उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, स्तर से ये 26 राज्यों में इसकी खेती की जा रही है। ये इस टेबल में दिखाया गया है कि इनका क्षेत्रफल और उत्पादन उत्पादकता कितनी है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा 386,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसको उगाया गया जिससे 8,585,000 टन उत्पादन हुआ जिसकी उत्पादकता 22.24 थी, जो 15-16 में 3,694,000 हेक्टेयर और इसका उत्पादन 8,806,000 टन जिसकी उत्पादकता 22.35 पाई गई और ये आंकड़ा NHB 2018 फरवरी का दिया हुआ है जिसमें कि उन्होंने 2016-17 का एस्टिमेटेड क्षेत्र और प्रोडक्शन दिया है जिसमें 394,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल दिया गया है और 8,720,000 टन उत्पादन और 22.13 इसकी उत्पादकता नापी गई है। ये प्रमुख राज्यों का क्षेत्रफल उत्पादन उत्पादकता दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में क्षेत्रफल उत्पादन अधिक है परंतु उड़ीसा की उत्पादन उत्पादकता अधिक है, वहाँ पर दूसरे पैर में दूसरे स्थान पर, जबकि प्रथम स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है जिसकी उत्पादकता 29.4 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी प्रकार से 2013-14 में भी उड़ीसा की उत्पादकता दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश की उत्पादकता प्रथम स्थान पर थी।
2014-15 में सबसे ज़्यादा उत्पादकता मध्य प्रदेश की 29.35 टन प्रति हेक्टेयर और असम की 28.82 टन प्रति हेक्टेयर पाई गई। जलवायु के हिसाब से यह शीतकालीन सर्दकालीन पौधा है, इसलिए इसको रबी के मौसम में उगाया जाता है और इसको 25 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर बंदगोभी की वृद्धि और उसका विकास रुक जाता है और उसमें पौधे में कड़वाहट आ जाती है। और एक चीज़ और बता दूँ, आप एक टिपिकल इसकी फ्लेवर होती है, ये एक ग्लूकोलिक की वजह से होती है जिसको सीलबीन कहते हैं और ये एक विशेष ताप पर ही इसका उत्पत्ति होती है। यदि तापमान अधिक हो जाता है तो सीलबीन बनना बंद हो जाता है जिसकी वजह से पौधे में कड़वाहट आ जाती है। हल्के पाले को सहन करने की क्षमता रखता है लेकिन तीव्र और लगातार कई दिनों तक पाला पड़ता रहता है तो उस समय पर इसकी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अनुकूल तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बीजों के अंकुरण के लिए भूमि का तापमान आपका 15 से 18 के बीच में होना चाहिए। तापमान ये 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो विशेष हानि होती है और 35 से अधिक हो जाता है जो हेड है वो बिखरना शुरू कर देते हैं और उनके जो सिनग्रीन जिसकी वजह से महक होती है इसमें विशेष प्रकार की टिपिकल फ्लेवर होती है वो ख़त्म हो जाती है। अधिक तापमान पर बंद गोभी कड़वी हो जाती है सिनग्रीन ख़त्म होने की वजह से। हमारे यहाँ गोभी कम क्षेत्र में उगाई जाती है, प्राय उत्पादन भी अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसकी जो ग्रोइंग पीरियड है वो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक बहुत कम मिलता है जबकि यूरोप में समय अधिक मिलता है, इसकी वजह से वहाँ पर खेती इसकी ज़्यादा क्षेत्र में की जाती है। हमारे यहाँ कुछ संकर प्रजातियाँ अभी डेवलप हुई हैं जिसमें ग्रीन एक्सप्रेस है, ग्रीन बॉय है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट फर्म से वैरायटी निकाल दिए हैं जो कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी उगाई जा सकती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले बंद गोभी केवल रबी सीजन में उगाई जाती थी और मार्च अप्रैल तक ही मिलती थी, लेकिन आजकल गोभी आपने देखा होगा कि पूरे लगभग पूरे वर्ष भर में लगाई जाती है। तो अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर इसको हम प्रतिकूल अवस्था में भी उगा सकते हैं। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में घाटियों में इसकी खेती शीतकालीन की जाती है, अक्टूबर और से लेकर के जनवरी तक इसकी फसल होती है। परंपरागत खेती शीत ऋतु में ही उगाई जाती है। जापानी प्रजातियां के क्रॉस के वाई क्रॉस सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों ही जलवायु के लिए भलीभांति उगाई जाती हैं, जबकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बसंतकालीन समय में ठंडी गोभी ठंडी ऋतु ठंडी की ग्रीष्म जिसको बसंतकाल कहते हैं और वर्षाकाल में उगाई जाती है। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में और दक्षिण की पहाड़ियों पर भी इसकी खेती वर्षभर की जाती है। सामान्यतः मोटी मांसल गोभी पत्तियों वाली प्रजातियाँ अधिक तापमान और वातावरण की विविध दिशाओं में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। पतली और मोटी पत्तियों वाली प्रजातियाँ के लिए ठंडे वातावरण और नम वातावरण की आवश्यकता होती है। अब बात आती है भूमि किस तरह की होनी चाहिए। तो इसकी खेती के लिए हल्की दुमट लेकर के भारी भूमि तक आ सकते हैं। यदि आपके पास बलुई भूमि है और बहुत मटियार भूमि है तो उसमें आप गोबर की खाद का प्रयोग करके उस भूमि में इसकी खेती कर सकते हैं। ऐसी भूमि जिसमें हेड का विकास अच्छा हो और जल निकासी की अच्छी सुविधा हो और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भूमि के अंदर अच्छा हो तो इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। और इसमें हल्की अम्लीय भूमि जिसका पीएच मान 6 से 6.5 के मध्य हो इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। जब पीएच इसका 6.5 से अधिक हो जाता है तो इसकी खेती पर थोड़ा सा उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये लवणों के प्रति अत्यंत सहिष्णु है, अधिक लवणयुक्त भूमि में इसकी खेती अच्छी नहीं होती है। मेमर्स ने वर्ष 1915 में पात गोभी को उसके आधार पर परिपक्वता रंग बंद गोभी का आकार पत्तियों की बनावट इत्यादि गुणों के आधार पर उन्होंने कई वर्गों में बांटा था जिसमें 8 वर्ग हैं कूपन हैगन मार्केट वॉकफील्ड फ्लैट डच सवाय डेनिश बाल हेड अल्फा बोलगा और रेड कैबेज। ये विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं या ग्रुप हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रजातियाँ बताई गई हैं। अब उन सी प्रजातियों में हल्की हरी गोभी या श्वेत भारतवर्ष में इसका उत्पादन व्यापार के स्तर पर हो रहा है। बैंगनी या लाल रंग की जो पत्ता गोभी है या कैबेज है जिसको हमारे यहाँ अधिक लोकप्रिय नहीं है, जिसमें रेड एकड़ रेड रॉक
रेड, डेनिश राउंड रेड, डच लार्क रेड, मैमोथ रोकते बहुत सारी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन इनको लोग हमारे भारतवर्ष में पसंद नहीं करते हैं और ये विदेशों में काफ़ी उगाई जाती है। और सबसे पहले जो हमारे यहाँ आई थी वैरायटी, डेनिश बाल के नाम से एक वैरायटी आई थी, जिसको कि 1910 में यूरोप से भारत लाया गया था और इसको उगाया गया था। हल्की बैंगनी गोभी, इसमें पूसा मुक्ता एक है, इसमें पौधे पत्ती के हल्का बैंगनी पत्ते होते हैं उसके, इसमें पूसा मुक्ता एक वैरायटी निकाली गई कटरान के द्वारा, उसके इस तरह के पत्ते हैं। सवाई कैबेज, ये काफ़ी लोकप्रिय है, इसमें पत्तियों के ऊपर फपोले टाइप दिखाई देते हैं और इसमें परफेक्शन सवाई, चिप्सन सवाई, ड्रम हेड सवाई इत्यादि प्रजातियाँ इसमें हैं। अब इसकी बात आती है प्रजातियाँ, प्रजातियाँ इसकी तीन प्रकार की होती हैं, अगेती, मध्यम और पछेती। अगेत प्रजातियाँ आपकी 70 से 75 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं, इनका हेड जिसमें पूसा मुक्ता, पूसा सिंथेटिक, गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा अर्ली अगेती या अर्ली ड्रम हेड, चौबटिया अर्ली, ये कुछ प्रजातियाँ हैं जो अगेती हैं और जिनको 70 से 75 दिन में इनके हेड खाने योग्य हो जाते हैं। मध्यावधि में 80 से 90 दिन तक, जिसमें सितंबर, कूपन हैगन मार्केट, वाक फील्ड एंड पूसा टॉपर। पछेती प्रजातियाँ जो कि 90 से 120 दिन का समय लेती हैं हेड बनने के लिए, इसमें लेट ड्रम हेड, जर्सी, पूजा संबंध, पूसा ड्रम हेड, लार्ज ड्रम हेड, बड़ी ड्रम हेड, डेनिश बाल, राक सेंस, फ्लैट टच, बंद गोभी, जैसे मैं पहले बता चुका आपको, रेड एकर, रेड डेनिश, सवाई कैबेज, इसमें परफेक्शन, ये कुछ प्रजातियाँ हैं जिनको कि आप उगा सकते हैं। आकार के अनुसार प्रजातियाँ गोल हेड वाली, चपटे हेड वाली, शंकुआकार और सवाई इस तरह से हैं। तो जो गोल वाली हेड है जिसमें गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, कूपन हैगन मार्केट, मैमोथ रॉक हेड, इनके जो हेड्स हैं वो गोल आकार होते हैं। कुछ चपटे वाली होती हैं जिसमें कि हेड्स पूसा ड्रम हेड है, फ्लैट डच है जो कि थोड़ा दबा हुआ, और भेली जो गुड़ की भेली होती है उस टाइप की होते हैं इनकी। शंकुआकार कोनिकल जिसमें जर्सी, वॉक फील्ड प्रजाति है, सवाई के अवेलेबल चिप्टर सवाई है। संकर प्रजातियों में विभिन्न संस्थानों के द्वारा भी निकाली गई हैं, जिसमें कटराइन मुख्य है, जिसमें पूसा सिंथेटिक, KGMR1, KTCBH81, ये कटराइन पूसा की जो रिसर्च सेंटर है हिमाचल में, वहाँ से निकाला गया है। इसके अलावा गंगा, कावेरी, यमुना, ग्रीन एम्पायर, श्री गणेश गोल्ड, सुमित, बहार, पुष्कर, शंकर प्रगति, हीरो, सुपर हीरो, हरी रानी, क्विटो, ग्रीन एक्सप्रेस, लेड प्राइड, एरिस्टॉप, न्यू ग्रीक, रेसिस्टेंट बाल, ग्रीन बॉय, अनुग्लोरी, विशेष, अंबर, नाथ 401, नाथ 501, BSS 20, BSS 32, MS की बहुत सारी वैरायटी हैं, S101, 103, 145, 126 इत्यादि। अब बात आती है खाद और उर्वरकों की, तो खाद और उर्वरक के लिए, क्योंकि इसमें हेड बनता है, उसके लिए प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो अच्छा होगा कि आप भूमि की जांच करा लें और जांच के अनुसार ही आप उसमें पोषक तत्व देंगे तो आर्थिक दृष्टि से आपके लिए लाभकारी होगा। परंतु यदि आपकी मिट्टी जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो सामान्य किस्म की भूमि है, तो इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आप 20 से 25 दिन पहले खाली खेत में मिला दीजिए और उसके बाद उसकी जुताई करके एक बार उसे कुछ दिन के लिए छोड़ा दीजिए, छोड़ दें, और उसके बाद जो नत्रन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और बोरेक्स, इन तत्वों की आवश्यकता होती है क्योंकि इन तत्वों की कमी पौधों में पाई जाती है। इसलिए नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जिंक सल्फेट 10 से 15 किलोग्राम एंड बोरेक्स 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दी जाती है, जिसमें से आधी नाइट्रोजन और संपूर्ण फास्फोरस पोटास खेत की जुताई के समय पर बेशक दें के रूप में, और बची हुई नाइट्रोजन दो भागों में बांट करके एक भाग 30-35 दिन की अवस्था पर और दूसरा भाग 55-60 दिन की अवस्था पर दिया जाता है। अब बात आती है भूमि और क्षेत्र, राज्यों हेतु उर्वरक और पोषक तत्व, ये टेबल में दिखाए गए हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में
जैसे आपका उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, वहाँ पर भूमि की स्थिति क्या है, उनमें पोषक तत्व कितने हैं, उसी के हिसाब से उनके लिए गोबर की खाद है, विभिन्न पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और बोरॉन के बोरेक्स की संस्तुत की गई है जिसकी टेबल में दिखाया गया है। बीज की मात्रा, अगेती प्रजातियों का बीज 500 से 600 ग्राम रोपाई के लिए लगता है, मध्यकालीन 350 से 400 ग्राम और पछेती प्रजातियों का 300 से 350 ग्राम और संकर प्रजातियों का बीज 300 से 350 ग्राम लगता है। पौधशाला में बीज बोने का उचित समय, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती फसल अगस्त से लेकर मध्य सितंबर तक बोई जा सकती है, मध्य वाली प्रजातियाँ और पछेती अक्टूबर से नवंबर में बोई जा सकती है, पूर्वी क्षेत्रों में मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से जून तक और बीजोत्पादन के लिए मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक कर सकते हैं और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे पूरे वर्ष पर उगाया जा सकता है। अब बात आती है कि ये रोपाई के लिए यदि आपको बोना है तो इसके लिए आपको पौध डालनी पड़ेगी और पौध डालने के लिए आवश्यक है कि इसके लिए पौध के लिए वही सारी प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी जो आपने फूल गोभी या टमाटर की पौध के लिए अपनाई गई थी, तो मैं इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। पात गोभी की रोपण दूरी प्रजातियों के अनुसार, जो पछेती प्रजातियाँ हैं उनको थोड़ा सा, क्योंकि उनकी वृद्धि अधिक होती है, इसलिए 60 सेंटीमीटर दूरी पर कतारें बनाएं और कतारों में 45 सेंटीमीटर दूरी पर पौधे लगाएं। दूसरा, इसमें 60x60 प्रजाति के अनुसार उसकी दूरी बढ़ाई गई है, 60 कतारें बनाएं और कतारों में 60 सेंटीमीटर पौधे लगा सकते हैं, और जो संकर प्रजातियाँ हैं उनमें कतारों में 75 सेंटीमीटर दूरी पर कतार बनाएं और 50 सेंटीमीटर दूरी पर पौधे से पौधे की रोपाई करें। इसी तरह से मध्यम अवधि की हैं जो प्रजातियाँ हैं उनको 60 सेंटीमीटर दूरी कतारें और कतारों में 45 सेंटीमीटर दूरी पौधों की रोपाई की जाती है, और 50 सामान्य जो प्रजातियाँ हैं उनको 50 सेंटीमीटर दूरी पर कतारें बनाएं और कतारों में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही पौधों की रोपाई की जाती है, और ये हम तराई के क्षेत्र जो है वहाँ पर भी इसको उपयोग करते हैं। और अगेती प्रजातियाँ जो मैदानी क्षेत्रों में अगर आप करते हैं इसी क्षेत्र, तो इसमें 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार बनाएं, कतारों में 45 सेंटीमीटर दूरी पर पौधे लगाएं। इस तरह से दूसरा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाएं और 30 सेंटीमीटर दूरी पर पौधे लगाएं, और 30 सेंटीमीटर दूरी पर कतारें जो छोटी पौधे होते हैं जिनके जैसे गोल्डन एकर है, इसको आप नज़दीक ला सकते हैं, 30 सेंटीमीटर कतारें बनाएं, कतारों में 30 सेंटीमीटर दूरी पर पौधे लगा सकते हैं। अब बात आती है निराई गुड़ाई की और खरपतवार नियंत्रण करने की। तो मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सब्जी की फसलें हैं इनको खरपतवारों से बहुत हानि होती है, इसमें 20 से लेकर 80% तक की हानि हो जाती है और पत्ता गोभी में 60% तक की हानि हो जाती है। तो पौधों की वृद्धि अगर ठीक से लेनी है, फसल आपको अच्छी लेनी है, तो आपको पहले 45 दिन यानी कि रोपाई के बाद आपको कम से कम 45 दिन तक खेत को निराई गुड़ाई करके साफ रखना पड़ेगा। और इतना जरूर ध्यान रखें कि जब आप पौधों की रोपाई करते हैं और पौधशाला से पौधे उखाड़ते हैं, तो पौधे उखाड़ते समय उसमें हल्की सिंचाई करें, सिंचाई करने के बाद पौधों को उखाड़ें, उखाड़ने के बाद फिर पौधों को उनके ऊंचाई के हिसाब से मोटे पौधे अलग कर लें और एक समान जो पौधे हैं उनको अलग कर लें, जो कमज़ोर पौधे हैं उनको अलग कर दें, और जो पहले आप मोटे पौधे और लंबे पौधे हैं उनको पहले रोपाई करें, और उसके बाद जब आपके पास पौधे नहीं बचे तो आप जो कमज़ोर पौधों का प्रयोग करिए, और इन पौधों को लगाने से पहले आप किसी भी कवकनाशी दवा का 0.25 का घोल बना कर, जिसके लिए आप डाइटन 45 ले सकते हैं, 0.25 का घोल बना करके, यानी कि 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके आप घोल बना लीजिए, और उसमें जड़ों को 10-15 मिनट के लिए डुबो के बोएंगे तो पौधे स्थापित होने में मदद मिलती है। इसी तरह से आप कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.25 उसका घोल बना करके, यदि आपको कोई कवकनाशी दवा नहीं मिलती है तो आप सिंपली यूरिया 0.5 से 1% का घोल बना करके आप उसमें भी इनकी जड़ों को डुबो सकते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसको इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बूस्टर डोज देना। जैसे बच्चों में हम काली खांसी डिप्थीरिया के लिए टीका देते हैं, उसी तरह से पौधों को भी बूस्टर डोज दी जाती है। तो हम कीटनाशी दवा का, कवकनाशी दवा का, वृद्धि नियामकों का, इनका प्रयोग हम बूस्टर डोज के लिए कर सकते हैं, और ये कार्य हमको रोपाई से पहले करना पड़ता है।
अब मैं जैसे बता रहा था आपको कि जब आपकी पौध लग चुकी है तो लगने के बाद फिर आप देखिए कि जो उसमें कुछ पौधे मर जाते हैं, तो एक सप्ताह के अंदर, आपको मैं फूल गोभी के संबंध में बता रहा था, उस समय ही बताया था कि एक सप्ताह के अंदर जो पौधे आपके मर जाते हैं उनको उखाड़ के उनके स्थान पर दूसरे पौधे लगाइए। और अच्छा होगा कि पौधे लगाते समय आप खेत में ही कुछ पौधे मेड़ के किनारे लगा दीजिए, और उन्हीं में से पौधे आप लगाएंगे अपने खेत में, तो उनकी जो मैच्योरिटी टाइम है समान रहेगा। यदि आप पौधशाला से ला करके पौधे लगाएंगे तो वो भिन्न हो जाएगा, वो फिर देर से तैयार होते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और खरपतवारों के निराई गुड़ाई करके मैनुअली आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में आदमियों की कमी है तो आप हर्बिसाइड उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लासो दवा सबसे उत्तम है, इसकी 2.5 किलोग्राम दवा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव आप रुपाई से पूर्व कर दें, और उसके बाद फिर रुपाई कर दें, और रुपाई करने के बाद हल्की सिंचाई कर दें, और उसके बाद फिर आपको 40-45 दिन तक कोई निराई गुड़ाई नहीं करनी है। 40 दिन के बाद फिर आप एक निराई गुड़ाई कर सकते हैं जिससे आप खरपतवार को रोक सकते हैं। इसके अलावा आप पैंडीमेथिलीन बासालीन का भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी रसायन हर्बिसाइड हैं जिनका आप उपयोग किया है। इसके बाद आते हैं आपको कौन कौन से कर्षण कार्य करने हैं, तो कर्षण कार्यों में सबसे कार्य है मिट्टी चढ़ाना, क्योंकि पौधे जब बढ़ते हैं तो गिर जाते हैं, और गिरने से हेड खराब हो जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए आपको जो है मिट्टी चढ़ाइए, और पुनर्रोपण प्रत्यारोपण ये आपको करना है पौधरोपण के बाद, और रुपाई हमेशा जो है शाम के समय पर करना चाहिए, तेज़ धूप में नहीं करना चाहिए। और पौधे जब आप नर्सरी से उखाड़ के ले जाते हैं खेत में लगाने के लिए और तेज़ धूप है, तो उनको ढक कर के ले जाइए, या किसी बाल्टी में या टब में पानी भर करके, या जो मैंने अभी आपको बूस्टर डोज बताई थी उनमें घोल में रख करके उनको आप खेत में ले जाइए और वहाँ से लगाइए, और लगाने के बाद तुरंत उनमें पानी लगा दीजिए तो पौधों की मृत्यु दर कम होगी। यदि आप जितना देर से लगाएंगे तो उतनी उसमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है। तीसरा कार्य है आपका पलवार के रूप में, जब पौधे आपके लगभग 25-30 दिन के हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप टॉप ड्रेसिंग की पहली डोज दे देते हैं यूरिया की, तो उसके बाद फिर आप पलवार का प्रयोग कर सकते हैं। और पलवार के लिए आप दो कतारों के बीच में ये पॉलीथीन शीट, इसके लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं, जिसमें सफ़ेद चादर भी हो सकती है, काली चादर भी आप इस्तेमाल करें, प्रयोग में पाएगा कि काली चादर अगर डालते हैं तो इससे तापमान ज़मीन का बढ़ता है, और तापमान बढ़ने से पौधे की वृद्धि का विकास भी होता है, और पौधा अच्छे से बढ़ता है तो उसकी पैदावार भी बढ़ती है। और इस कार्य के लिए आप गन्ने की सूखी पत्तियाँ, कांस या पेड़ की सूखी पत्तियाँ, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। दो कतारों के मध्य जो दूरी होती है उसमें धान की भूसी या बुरादे का प्रयोग भी कर किया जा सकता है पलवार के रूप में। पलवार की मोराई 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और ये मौसम पर डिपेंड करती है कि मौसम अगर बहुत ठंडा है तो इसकी थोड़ी मोटाई अधिक रखते हैं, और मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है तो मोटाई इसकी कम रखते हैं। सिंचाई की जहाँ तक बात आती है, वन पत्ता गोभी को सिंचाई की काफ़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि वैसे ये शैलो रूटेड क्रॉप है, इसकी जड़ें ज़्यादा गहरे तक नहीं जाती हैं, तो इसको 12 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है। 12 एकड़ इंच का मतलब है कि पूरे जीवन काल में पौधे को रोपाई से लेकर के और उसके हेड की कटाई तक 12 एकड़ इंच पानी, मतलब कि 12 इंच पानी एक एकड़ खेत में आप भर देंगे तो उसका जो टोटल अमाउंट होगा वो 12 एकड़ इंच पानी कहलाएगा। तो इसका लिए आपको पहली सिंचाई आप रोपाई के तुरंत बाद करें, दूसरी सिंचाई 10-12 दिन के बाद फिर करें, और उसके बाद फिर मौसम के अनुसार जब भी आवश्यकता हो 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। अब बात आती है वृद्धि नियामकों का। वृद्धि नियामकों का उपयोग मुख्य रूप से, क्योंकि ये पत्ते वाली सब्जी है और पत्ते वाली सब्जी को बढ़ाने के लिए जिब की महत्वपूर्ण वृद्धि कारक है। इसकी 100 से 1000 PPM का घोल बना करके यदि हम पुष्पन से पूर्व इसमें छिड़काव कर देते हैं तो इसमें बीज की पैदावार भी बढ़ जाती है, ख़ासतौर से हेड जो हमारा हेड है खाने वाला जो भाग है उसकी भी आकार बढ़ जाता है। इसके अलावा भंडार में जब हम रखते हैं तो हेड को काटने से 3-4 दिन पहले यदि बेंजाइल एडिनिन का 10 PPM का घोल बना करके छिड़काव करके यदि हम उसको बाद में 4 दिन बाद इसकी कटाई करते हैं तो ये पत्ता गोभी हमारे काफ़ी दिन तक सुरक्षित रह सकती है और जल्दी पीली नहीं होती है, तो इसका उपयोग उसके लिए किया जाता है। अब बात आती है फसल चक्र की, तो पत्ता गोभी एक ऐसी फसल है जिसके साथ कई फसलों को जो उसके साथ उग सकते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी के साथ हम मिर्च के ले सकते हैं, और इसमें बरसात में आप भिंडी उगाइए, भिंडी उगाने के बाद रबी में पत्ता गोभी उगाइए, जायद में आप
उसके साथ मिला करके ग्वार की फली उगा सकते हैं, ग्वार की फसल को, या पत्ता गोभी साथ में आप सलाद की फसल भी मिला सकते हैं। नवंबर से मार्च तक आप सलाद लगाइए, उसके बाद पत्ता गोभी लगाइए, फिर ग्वार की या फ्रेंच बीन लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मूली जुलाई अगस्त सितंबर से लगाइए, उसके बाद सलाद प्लस पत्ता गोभी लगाइए अक्टूबर फरवरी तक, उसके बाद भिंडी मार्च से लेकर जून तक उगा सकते हैं। अगेती पात गोभी, गांठ गोभी इसके साथ दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं सितंबर से दिसंबर तक, उसके बाद लोबिया या करेला जनवरी से मई तक, और उसके बाद फिर बरसात में जून से अगस्त तक लोबिया की फसल ले सकते हैं। तो ये कुछ फसल सकें, इसके अलावा ये कुछ फसल सक दिए गए हैं यहाँ पर, करेला पत्ता गोभी लोबिया ये पूरे साल का दिया गया फसल सक। भिंडी पत्ता गोभी के साथ आप शलजम टमाटर की फसल ले सकते हैं। लोबिया पत्ता गोभी ग्वार मक्का पात गोभी भिंडी और कुछ मिश्रित फसल चक जैसे पत्ता गोभी प्लस मिर्च, पत्ता गोभी के साथ सलाद, पत्ता गोभी के साथ चुकंदर की फसल, ग्वार पत्ता गोभी मूली चौलाई पात गोभी ग्वार टिंडा पात गोभी राजमा, इस तरह से आप फसल चक्र अपना करके इनको उगा सकते हैं। पलवार का प्रयोग, जैसे मैं आपको बता रहा था कि काली पॉलिथीन का प्रयोग पलवार के रूप में करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा पाया गया है। और इसके अतिरिक्त गन्ने की सूखी पत्ती का पलवार भी बहुत अच्छा है, धान की भूसी पेड़ की सूखी पत्तियाँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि धान का पुआल या गेहूं का जो भूसा होता है उसका प्रयोग कभी नहीं करें, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत दाने रह जाते हैं और दाने के लालच में चूहिया उसमें छोटे चूहे लग जाते हैं और जो हमारे उगे हुए पौधों को काटते हैं। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए कि पुआल के रूप में आप धान का पुआल और गेहूँ का भूसा कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए आप अपने हिसाब से उचित पलवार का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी पैदावार मिलेगी। इससे 25-30% पैदावार में वृद्धि पाई गई है। अब बात आती है फसल सुरक्षा की। फसल सुरक्षा बीमारियों से और कीड़ों से कैसे करें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप समय से फसल लगाएं और उसमें जो भी बीमारी लगती है उसका समय से निदान करें। यह आर्द्र विगलन एक ऐसी बीमारी है जो कि पौधशाला में लगती है और इसके लिए कवक राइजेक्टोनिया सोलेनाई पीथियम और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस ये कुछ फंगस हैं जो इसके लिए, यदि आपने बीज को बोते समय कवकनाशी दवा से ठीक से उपचारित कर दिया तो आपकी 75% ये आर्द्र विगलन की जो समस्या है दूर हो जाती है। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सॉइल सोलराइजेशन यानी कि अप्रैल मई के महीने में आप जो आपकी पौधशाला की क्यारी है उसको सॉइल सोलराइजेशन या सौरीकरण विधि के द्वारा उपचारित करिए, और उपचार करने के बाद फिर आप उसमें फूल गोभी ले सकते हैं, फूल गोभी के बाद पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के बाद टमाटर, टमाटर के बाद प्याज, चार फसलें आप लगातार ले सकते हैं और उसमें आर्द्र विगलन रोग नहीं लगता है। इसके अलावा है मृदुरोबिल आसिता, ये भी इसको काफ़ी नुकसान करता है। इसमें पैरेंसपोरा पैरासिटी का फंगस है जिसकी वजह से पत्तियाँ मुरझाई हुई सी हो जाती हैं, और इसमें एक PI 24-50-15 ये एक इंट्रोडक्शन नंबर है जो कि इसके लिए प्रतिरोधी पाया गया, तो इसके लिए आप प्रतिरोधी प्रजातियाँ उगा सकते हैं और डायसन 45 दवा का 0.25% का घोल बना करके 10 दिन के अंतराल से आप छिड़काव करेंगे तो इस रोग से बचा सकता है। परंतु तो इसके साथ ज़रूरी है कि ये पत्ता गोभी में पत्तों में चिकनाहट होती है, इसलिए सेंडोविट का जो भी छिड़काव करते हैं आप उसके साथ में सेंडोविट दवा का अवश्य मिलाएँ, और सेंडोविट नहीं मिलती है तो आप साबुन का चूरा 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला लीजिए और उसके बाद उसका छिड़काव करिए तो आपको सफलता मिलेगी। चूर्ण लासिता यह मुख्य रूप से ईसाइफी पॉलीगुनाई फंगस की वजह से लगता है और बीज वाली फसलें बहुत लगता है। ग्लोबली एक प्रजाति है जो इसके लिए प्रतिरोधी पाई गई है, और जो हेड वाली जिसमें हेड बनते हैं वो उसमें इसका ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है। अल्टरनेरिया पर्ण धब्बा है, ये अल्टरनेरिया ब्रेसिकाई या ब्रेसिकुला की वजह से होता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप नर्सरी पौधशाला में ही कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.25% का घोल बना करके उसका छिड़काव करते रहिए, या डायसन 45 का रेडोमिल का 0.25% का घोल का छिड़काव आप पौधशाला में करते रहेंगे और ठीक से आपने उपचार किया है तो आप इस रोग से बचा सकते हैं। सरकोसपोरा पर्ण धब्बा भी मैं इसको देखने को मिलता है, तो इसको सरकोसपोरा स्पेसीज इसकी फंगस है और ये फंगस के द्वारा लगता है,
तो इससे बचाव के लिए आप पौधों पर 2545 या रेडोमिल दवा का दवा 10 दिन के अंतर से करते रहेंगे तो इससे आप बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्लब रूट रखती है जिसमें प्लाज्मोडियोफोरा ब्रिसिका एक है जो पीएच 7.2, अगर मतलब ये 7 से अगर अधिक पीएच वाली भूमि है तो उसमें इसका प्रकोप कम होता है, और इसके लिए बैजर सिपर प्रतिरोधी प्रजाति है जिसको आप उगा सकते हैं, और इसमें आपको 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, और इसमें अधिक नमी खेत में नहीं होनी चाहिए क्योंकि नमी की अवस्था में फैलता है और इसकी वजह से जो जड़ें हैं पहले पौधा मुरझाता है, उसके बाद फिर ये जड़ों में इसका प्रभाव पड़ता है और जड़ें धीरे धीरे पतली हो जाती हैं और उसमें फिर गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, तो इसको हम क्लब रूट कहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लैक लेग है, खोमा लिंगम के द्वारा होता है, इसके लिए आपको हार्ड वाटर ट्रीटमेंट से उपचार करना चाहिए, 3 साल का फसल चक्र अपना चाहिए, और पूसा ड्रम हेड एक ऐसी प्रजाति है जिसमें ये ब्लैक लेग बीमारी कम लगती है। अब आता है कैबेज येलोज, ये फंगस के द्वारा होता है जिसमें आपको कवकनाशी दवा मैंने आपको बताया था कि आप 45 रेडोमिल या कापराक्सी क्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातियाँ इसमें विस्कॉन्सन हॉलैंडर, विस्कॉन्सन ऑल ग्रीन, ऑल सीजन, ये कुछ प्रजातियाँ हैं जो इसके लिए प्रतिरोधी पाई गई हैं। ब्लैक रॉट जेंथोमोनास कंपेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसके लिए आपको हॉट वाटर ट्रीटमेंट यानी कि 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी को गर्म करिए, उसमें बीज को पोटली बांध करके 10-15 मिनट के लिए डुबो कर रखिए और उसके बाद छाया में सुखाइए, तब भी आप इसको बोएंगे तो इस रोग से बचा सकता है, और इसके लिए गोल्डन एकर प्रजाति इसके लिए प्रतिरोधी है तो आप इसको उगा सकते हैं। कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाएं, खेत में अधिक नमी ना होने दें, कोई भी पौधा आपको कहीं दिखाई देता है तो उसे उखाड़ करके आप नष्ट कर दें। इसके अलावा सूत्रकृमि या निमेटोड लग जाते हैं, इसके लिए आप नीमगंड ला सकते हैं, नीम की खली ला सकते हैं, नीमगंड 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है, नीम की खली 25-30 किलो प्रति हेक्टेयर, या लकड़ी का बुराला होता है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देते हैं आप खेत की जुताई के समय और उर्वरक डालने से पहले, तो इस रोग से बचा जा सकता है। अब आता है कैबेज मोज़ेक वायरस, ये विषाणु रोग है, रस चूसने वाली कीड़ों के द्वारा फैलता है, तो ये उसके कंट्रोल के लिए आप मेटासिस्टॉक दवा या एमिडाक्लोर पर दवा का 0.1% का घोल का छिड़काव करिए, और इसके अतिरिक्त बैजर मार्केट और बैजर बाल, ये दो प्रजातियाँ ऐसी हैं जो कि कैबेज मोज़ेक और कैबेज वायरस के लिए प्रतिरोधी हैं। अब प्रमुख कीटों में कटवर्म, कैबेज रूट फ्लाई, कैबेज व्हाइट फ्लाई, माहू, बिहार हेरी कैटरपिलर और कैबेज हेयर बोरर मुख्य रूप से लगता है। कटवर्म जो है जब आप पौधे रोप देते हैं तो रोपाई जब पौधे छोटे होते हैं उस समय ये काट के नुकसान करता है, तो इससे बचाव के लिए आप खेत में थीमेट या फिर और दवा का प्रयोग करें तो इससे आप बचा सकते हैं। कैबेज रूट फ्लाई है, ये जड़ों में लगती है, इसके मैगेट होते हैं और इसका वो पौधे को जड़ों को काटता है, इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है, पौधे सूख जाते हैं, तो इससे बचाव के लिए आप थीमेट 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालिए या फिर और दवा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे तो आप इससे बचाया जा सकता है। कैबेज व्हाइट फ्लाई है, ये इसका जो लार्वा है ये पत्ती की नीचे सतह पर अंडे देती है और अंडे से ये होकर पीपा बनता है, उसके बाद में उसका कैटर पर जो लार्वा आता है, लार्वा इसमें खाता है पत्तियों को और नुकसान करता है, तो इससे बचने के लिए आप मेलाथियान 0.1% का गोल छिड़काव कर सकते हैं या आप मेटासिस्टॉक 0.1% का घोल बना के या एमिडाक्लोप्रिड दवा 0.1% का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। माहू से बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि साबुन का चूरा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़क देंगे तो माहू आपका मर जाता है। मेटासिस्टॉक दवा छिड़क सकते हैं, एमिडाक्लोप्रिड दवा छिड़क सकते हैं, माहू चाहे किसी भी फसल में हो आप उसको निदान कर सकते हैं। बिहार हेयरी कैप्टर के लिए ये जल्दी कंट्रोल नहीं होता है, इसके लिए केवल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसे क्षेत्र में फसल ना हुआ है जहाँ के आसपास पॉपुलर का खेत हो या कोई बाग हो, क्योंकि इसका जो लार्वा है जो रोएं कीड़ा होता है ये लार्वा ही होता है और ये फैल करके पौधों को नुकसान करता है, पत्तियों को खाता है। इससे बचाव के लिए ये है कि आप खेत के चारों तरफ गड्ढा बना लें और या मेड़ों पर आप कोई भी हेप्टाक्लोर धूल, BSC धूल या सेविन पाउडर इसको आप डाल देते हैं तो आप इससे बचा सकते हैं। स्प्रे में आप सेविन दवा
इंडोसल्फान या एमिडा क्लोरपीट दवा का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं होता है, केवल आपको इसको रोकना है किसी तरह से बाहर से खेत में ना आए। कैबेज हेड बोरर है, इसके रोकथाम के लिए आप एमिडा क्लोरपीट 0.1% या सेविन दवा 0.2% का घोल बनाकर के छिड़काव करेंगे 10 से 12 दिन के अंतराल से, तो आप इस अपने फसल को बचा सकते हैं। अब बात आती है कि हेड की कटाई होती है प्रजाति के अनुसार। जैसे बताया था मैंने आपको 70 से 75 दिन में अगेती प्रजातियाँ तैयार हो जाती हैं, तो हेड जब उसके आप देखिए उसे प्रजाति के अनुसार, यदि वो हेड काफ़ी कठोर है, दब नहीं रहा है, उसका आकार ले चुका है, तो आप उसकी कटाई कर सकते हैं। उसे कटाई दिसंबर से लेकर के मार्च तक, यदि आपने टाइम से इसको बोया है और इसकी रोपाई समय से की है, तो आपके हेड दिसंबर से मार्च तक अगेती से लेकर 25 तक प्रजातियों के तैयार हो जाते हैं। अब जहाँ तक उपज की बात आती है, उपज बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है कि आपका खेत कैसा है, आपने प्रजाति कौन सी उपयोग की है, आपने सुरक्षा के कोई उपाय किए हैं, कीड़ों से सुरक्षा, खरपतवारों से सुरक्षा, बीमारियों से सुरक्षा अगर समय से की है, बीज आपने उन्नत प्रजातियाँ के लिए है, तो औसतन आपको अगेती प्रजातियों से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मध्यम प्रजातियों से 250 से 300 क्विंटल और पछेती प्रजातियों से 350 से 400 क्विंटल की हेड की पैदावार मिल सकती है। संकर प्रजातियों में आपको अगेती प्रजातियाँ 300 से 350, मध्यम 400 से 450 और पछेती 550 से 600 क्विंटल तक मिल सकती है। अभी मैं आपको बता रहा था हमने विशेष अंबर, ये चौबटिया रेड, चौबटिया अगेती, इन प्रजातियों पर परीक्षण किया था और इसमें पाया था हमको इसकी यील्ड अंबर की और विशेष की 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त हुई थी बिना डंठल के। अब आती है भंडारण की बात, तो कैबेज को भंडार भी हम कर सकते हैं, कमरे की ताप पर इसको 5 से 7 दिन तक आराम से रखा जा सकता है और शीत भंडार गृह में इसे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 90 से 95% आर्द्रता के साथ इसको हम 1 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। ये कुछ प्रजातियों के फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूसा मुक्ता है, इसमें आप देख रहे हैं ये गोल्डन एकर है, इसके पत्ते थोड़े से जो है काफ़ी होते हैं, पत्तों के पाउडर होते हैं और इसका हेड गोलाकार होता है। ये मैं आपको बता रहा था कि पूसा अगेती प्रजाति है, इसकी देखिए नीला रंग हल्का हल्का आ रहा है, तो इसमें जो प्रजाति अपनाई गई है क्रॉसिंग से डेवलप की गई, कटराइन के द्वारा निकाली गई है। और ये है रेड कैबेज, इसको ब्रेस्का ऑलिशिया वराइटी कैपिटाटा फार्म रूबरा और ब्रेस्का ऑलिशिया वराइटी कैपिटाटा फार्म एल्वा आपकी सफ़ेद वाली कैबेज होती है। ये संकर प्रजाति है KGMR1, ये भी कटराइन से निकाली गई है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो अथवा कोई सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं। भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।